मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में सीए के समर्थक और विरोधियों में आज फिर प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए और आगजनी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी की गई। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सीए के समर्थक और विरोधियों में टकराव हो रहा है, तोड़फोड़ हुई है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें कि पुलिस के सामने बेखौफ होकर एक युवक फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि 8 राउंड इस युवक ने पुलिस के सामने ही फायरिंग की है। हालांकि पुलिस वाले ने इस युवक को रोकना चाहा, मगर देखें किस तरह से ये युवक रुका नहीं और लगातार फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि 8 राउंड पुलिस वाले के सामने ही ये बेखौफ युवक ने फायरिंग की है। पूर्वी दिल्ली के 10 इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर और चांदबाग इलाकों से हिंसा की खबरें सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। किस तरह से पत्थरबाजी, आगजनी हो रही है, दिल्ली के इन इलाकों में काफ़ी तनाव है। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के टकराव में दिल्ली जल रही है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।